Welcome to the World Contraception Day panel discussion organized by DKD Pakistan, the world's largest provider of family planning services all around the globe. My name is Hiba Anwar, and today we'll be having a panel discussion on myths and misconceptions about the usage of contraceptive. Before proceeding further, I would like to share the fact that the usage of contraceptive in rural area of Pakistan is just 31%. Whereas in urban, it's slight increase around 45%, and this provides a call to an action. So in order to discuss that, today we have a panel of leading experts in gynecology. So first of all, I would like to introduce Dr. Azna Hanif, the leading gynecologist from Karachi, Dr. Farina Faisal, Director Technical WBD Peshawar, Dr. Alia, Deputy Technical District Population Welfare Officer, and Dr. Shamim, the Senior Gynecologist from Hyderabad. Assalamu alaikum and thank you so much for joining us today. So, aaj hum inke experience se janenge ki how we can close the gaps in understanding of contraceptives in Pakistan for a common woman. और क्या वजह है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की यूजेज इतना कम है? तो डॉक्टर अजरा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करने से औरतें क्यों डरती हैं? हालांकि इतने प्रोग्राम्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, सो व्हाई द पीपल आर स्टिल स्केयर्ड ऑफ इट एंड पॉपुलेशन स्टिल ऑन द यू नो राइजिंग? अस्सलाम वालेकुम, इंट्रोडक्शन तो हो गया है. अच्छा, एक्चुअली प्रॉब्लम इज दिस कि हमारी जो फैमिली में जो सासें हैं, नंदे हैं, जो नेबर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इतने मिथ्स क्रिएट किए हुए होते हैं, पहले से ही मिथ्स क्रिएट किए हुए होते हैं, जिनकी वजह से वो इतनी खौफजदा हो जाती है पहले से ही कि वो फिर डॉक्टर से कभी पूछती ही नहीं है. तो इट शुड बी पार्ट ऑफ एवरी पेशेंट्स काउंसलिंग कि जब वो एंटीनेटल पे हमारे पास आती है तो हम तभी से उसकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दें फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, क्योंकि जो उसके मिथ्स है वो खुद से आके कभी भी नहीं पूछेगी, क्योंकि उसके जहन में सारे फीड हुए हुए हैं. वो पहले से उसकी जहन में सब कुछ फीड हुआ हुआ है कि अगर तो मैं IUCD रखवाऊंगी तो वो तो मेरे दिल पे चढ़ जाएगा, मेरे दिमाग तक चला जाएगा, अगर मैं इंजेक्शन लगवाऊंगी मेरे बच्चे का दूध सूख जाएगा, टैबलेट से भी है मैं मोटी हो जाऊंगी. ये सारी मिथ्स है जो बहुत पहले से, बहुत पुराने जमाने से क्रिएटेड है और हम उसको एड्रेस नहीं करते हैं. तो हमें, दिस इज आवर ड्यूटी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, कि जब हमारे पास एंटीनेटल में पेशेंट आएगा तो हमें उसकी काउंसलिंग तब से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा बहुत जल्दी हो जाता है. और वो इसीलिए कि पहले से ही उसको ये बता दिया जाता है कि दूध तो जामिन हो जाता है, तुम्हें मेंसेस नहीं आ रहे, तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी. वो उसी में प्रेग्नेंट होके 3 या 4 months के बाद आ जाती है हमारे पास. तो दिस इज माय ओपिनियन कि हम उसकी प्री काउंसलिंग जरूर करें ड्यूरिंग हर एंटीनेटल. थैंक यू सो मच डॉक्टर अजरा. अच्छा सवाल है, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है डॉक्टर फरीना से. डॉक्टर फरीना, ये WHOB की एक स्टेटमेंट थी कि जो है कॉन्ट्रासेप्शन जो है आप अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हो तो जो है कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं पड़ती. इस चीज को लोगों ने बहुत गलत परसेप्ट किया हुआ है, जो कि डॉक्टर अजरा ने भी अभी डिफाइन किया. तो क्या आप इसको डीप हाईलाइट करेंगी कि कब तक लाइक ब्रेस्ट फीड अगर वो करा रही है तो कब तक वो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव वो काम कर रहा है, एंड आफ्टर दैट कब से मतलब वो कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे यूज नहीं हो सकता? लाइक ब्रेस्ट फीडिंग मदर शुड टेक अ कॉन्ट्रासेप्टिव, सो कैन यू प्लीज हाईलाइट दैट? आप म्यूट हुई हैं डॉक्टर फरीना. अब आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे उसमें यही हो जाता है कि खवातीन ये समझ रही होती हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं और फिर वो प्रेग्नेंट होकर आ जाती है. ये इस तरह है कि हम जो कहते हैं ना कि एक मेथड है, इसको हम लैक्टेशन एमिनोरिया मेथड कहते हैं. उसमें ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है और वो भी 6 months के लिए. तो उसमें ये है कि जो बेबी है वो और कुछ ना पी रहा हो, सिर्फ माँ का दूध पी रहा हो, और वो माँ भी उसको कम से कम 6 times डे टाइम में और फिर रात को भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो, तो तब वो प्रोटेक्टेड होगी. लेकिन वो भी 6 months के बाद जब बच्चा अपनी गजा और मजीद जो हम कहते हैं ना कि वीनिंग फूड स्टार्ट कर लेता है, तो उस वक्त फिर
चूंकि ब्रेस्ट फीड की इतनी जरूरत नहीं पड़ती तो वो उस तरह से बॉडी उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रही होती। उसके बाद उनको 6 मंथ के बाद जरूर कोई ना कोई मेथड यूज करना चाहिए। और हमारे पास पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास और वैसे मार्केट में भी ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं जो आप यूज कर सकते हैं और जिनसे आपके ब्रेस्ट फीडिंग पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। आपके ब्रेस्ट फीड की प्रोडक्शन उतनी ही रहेगी, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा ये तो एक आपने वो दिया कि मौका दिया कि ये मैसेज हम लोगों को दे कि ये इसको ब्रेस्ट फीडिंग को आप प्रोटेक्शन ना समझें और उसके साथ कोई ना कोई जरूर मेथड इस्तेमाल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरीना, थैंक यू। अच्छा, मेरा अगला सवाल जो है डॉक्टर आलिया से है। डॉक्टर आलिया, जो हम यूजुअली, आपको पता होगा कि DKT जो है बीइंग द फैमिली प्लानिंग प्रोवाइडर सर्विस, हमारे यहाँ IUDs जो हैं हम उसको प्रमोट करते हैं कि सेट इट एंड फॉरगेट इट फॉर 10 ईयर्स ना। लेकिन बहुत सारे अभी भी लाइक लोगों के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि IUD लगाया है तो वो जो है कहीं भी माइग्रेट हो सकता है। वो रिसेंटली मैं अगर शेयर करूँ तो एक एक्सपीरियंस था, वो जो फीमेल थी अच्छी खासी, वो खातून पढ़ी लिखी थी, बट शी इज़ लाइक कि अगर मैं इसको करवाऊँगी तो ये तो मेरे ना अंदर कहीं चला जाएगा। तो हाउ कैन यू एड्रेस दिस, और किस तरह से मतलब हम आप इस प्लेटफॉर्म से यूज़ करते हुए ये मैसेज पहुँचाएंगे कि इट्स लाइक कम्प्लीटली सेफ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने का मौका दिया। कॉपर्टी जिसे आम लैंग्वेज में ये छल्ला भी कह देते हैं, IUD भी कह देते हैं, जो कि बच्चेदानी के अंदर सेफली रखी जाती है और सबसे बेहतरीन तरीका है लंबे अरसे के लिए, वक्त के लिए। तो ये ऐसा होता है कि वो लोग को अनट्रेन्ड, कुछ लड़कियां जो अनट्रेन्ड दाई या कोई भी मिडवाइफ या LHV से जाके रखवा लेती हैं, तो वो मेजरमेंट किए बगैर, यूट्रस का साइज चेक किए बगैर उसे अंदर घुसेड़ देती हैं, जो कि उसकी यूट्राइन वाल को उससे निकलता हुआ एब्डोमेन में चला जाता है। तो इस वजह से वो उन्हें फील होता है कि ये शायद ऊपर चली गई है। ये रखते हुए ही इंजरी होती है, उसके बाद यहाँ पे बच्चेदानी के अंदर कॉपर्टी रख दी जाती है, वहां से कहीं भी डिस्प्लेस नहीं होती। ये देखा गया है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट या ट्रेन्ड स्टाफ होता है वो उसकी मेजरमेंट करता है यूट्रस साइज का, उसकी डायरेक्शन देखते हैं, एंटीवर्टेड है, रिट्रोवर्टेड है, यूट्रस साउंड से उसका साइज चेक करके फिर कॉपर्टी का साइज एडजस्ट करके अंदर रखी जाती है तसली से, और उसको भी 1 सेंटीमीटर के उसके फंडस को जो अंदरूनी उसकी लेयर है उसे टच ना करे और अंदर सेफली कैविटी के अंदर रख दी जाए। तो लेकिन जो अनट्रेंड होती है उन्हें पता नहीं होता है सही तरीका रखने का, तो वो बहुत ज्यादा पुश करती है जिसकी वजह से वो यूट्राइन वॉल के अंदर थोड़ा इंजरी करती है। जब वो उसके वॉल में पहुंच जाती है तो बच्चेदानी की कोशिश होती है कि वो बाहर नीचे को पुश कर दे या ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है। तो वो सुराख पहले रखते हुए ही हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी से पेट के अंदर चली जाती है। तो ये रखते हुए प्रॉब्लम होती है, बाद में कहीं भी नहीं जाती। अगर अच्छी जगह से अच्छे तरीके से रखवाई हो तो कहीं भी नहीं जाती। तो इसके लिए ये है कि बाद में रखने के बाद अगर अल्ट्रासाउंड की सहूलत है तो वो अल्ट्रासाउंड करके चेक कर लिया जाए कि यूट्राइन कैविटी के अंदर ही है, तो उसने इधर उधर तो नहीं डैमेज किया हुआ, तो वो उधर ही रहेगी, कहीं भी नहीं जाती, चाहे 10 साल रहे, 5 साल रहे, 7 साल रहे, सेफली उधर ही रहेगी। ये मिसकंसेप्शन है और मिसकंसेप्शन भी लोगों का देख देख के ही बना है कि वो अनट्रेन्ड स्टाफ से रखवा लेते हैं तो वो जब पुश करते हैं या यूट्रस की वाल को डैमेज करते हैं तो वो इधर उधर होती है, वरना वो जहां पे रखी रहे हैं तो वहीं पे ही होती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आलिया क्लियर करने के लिए। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल डॉक्टर शमीम आपसे है। बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं या जो ख्वातीन हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, लाइक पिल्स को स्पेशली अगर बोला जाए, तो वो इसलिए भी इस्तेमाल नहीं कर रही होती कि भाई पिल्स अगर हम लेते रहेंगे और फिर जब हमें लाइक कंसीव करना होगा तो हम इनफर्टाइल हो जाएंगे, तो इसकी कहाँ तक रियलिटी है, क्या वाकई में इस तरह से होता है या इट्स जस्ट अ मिथ? तो आप अपना कोई पॉइंट हाईलाइट करें इस पे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो हार्मोन है वो बैलेंस से निकल जाते हैं, ठीक है जी, और
पिल्स और अगर इंजेक्टेबल्स की भी बात करें तो इनमें भी थोड़ा हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। रही बात फर्टिलिटी की, सो इसका इस पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, जो खवातीन प्रोलॉन्ग ले रही हैं पिल्स या इंजेक्शंस, उसमें थोड़ा सा फर्टिलिटी को बैक लाने में टाइम लग जाता है, डिलेड हो जाता है। हाँ, तो उसमें टाइम लग जाता है, इनफर्टाइल नहीं होती, इनफर्टाइल नहीं होते, उनकी फर्टिलिटी को लौटने में या वापस आने में डिलेड हो जाती है, यानी कि थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है। एक साइकिल में अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं तो दूसरी तीसरी साइकिल में उम्मीद है इंशाल्लाह, और एक्सपीरियंस के हवाले से भी वो हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। थैंक यू डॉक्टर शमीम। अच्छा, बस अब मेरा एक लास्ट सवाल है जो मैं डॉक्टर अजरा से पूछना चाहूंगी। डॉक्टर अजरा, बहुत सारे जो होती हैं खवातीन जो है, इंक्लूडिंग अगर मैं अपनी बात भी करूं, तो हमारे माइंड में ये होता है कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर रिलाई करेंगे तो कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, या आपके एक्सपीरियंस में क्या है, इसमें कोई रियलिटी है, वाकई contraceptive leads to increased risk of cancer, or it's just a myth? Obviously it's just a myth, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि contraceptive use करने से cancer के chances बढ़ जाएंगे, बल्कि जो बहुत ज्यादा ग्रैंड मल्टीपैराज हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा करती हैं, उनकी यूट्रस इतनी वीक हो जाती है कि बाद में जाके उनमें कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो वी आर गिविंग देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल डिजीजेस। तो इसमें बेटर हमेशा यही है, इसमें वही बात आ जाती है काउंसलिंग की, कि अगर हम पेशेंट को काउंसलिंग करेंगे, ये सारी चीजें तो मतलब इनबिल्ट हो गई हैं हमारे पेशेंट्स के अंदर कि उनको कैंसर होगा, उनके वेट गेन होगा। वेट गेन ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन अलग था, लेकिन मैं सिर्फ एड ऑन करना चाहती हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो हर एक के लिए जरूरी है, चाहे वो टैबलेट यूज कर रहा हो, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्शन ले रहा हो या ना ले रहा हो, चाहे वो इंजेक्टेबल यूज कर रहा हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास पेशेंट कैंसर का पेज पूछ के नहीं आते, वेट गेन का बहुत पूछ के आते हैं कि अगर मैं टैबलेट लूंगी या इंजेक्शन लूंगी तो मेरा वेट गेन होगा। तो होता तो ये है कि जब वो कॉन्ट्रासेप्शन लेगी तो वो तो केयर फ्री हो जाती है, खुशबाश खाएगी, पिएगी, ऐश करेगी कि मैं तो प्रेग्नेंट होंगी नहीं, उससे उसका वेट गेन ज्यादा होगा। अदर देन दैट, अगर वो लाइफस्टाइल मॉडिफाई करे, अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन नहीं भी ले रही है तो भी तो इतनी मोटी होके आ जाती है, क्योंकि खाती है, पीती है, पराठे खा रही होती है, हर चीज खा रही होती है। तो थोड़ा सा डाइट करें, थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज करें, ये सारी चीजें जरूरी है, इवन विद कॉन्ट्रासेप्शन और विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका मेन क्वेश्चन था कैंसर का, तो इट्स जस्ट अ मिथ कि उसकी वजह से, इंजेक्टेबल या टैबलेट्स की वजह से। हाँ, अगर सीए ब्रेस्ट की पेशेंट या फैमिली हिस्ट्री है तो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवॉइड करेंगे, उसी पीस हम अवॉइड करेंगे इन सच पेशेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर अजरा। अच्छा, बस लास्ट में जो है ना, अब मैं बस ये चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए आप सब अपना एक मैसेज जो आप खवातीन तक पहुँचाना चाहती हैं यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, तो आप अगर एक एक करके स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक डॉक्टर अजरा से हम स्टार्ट कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन। तो अगर आप एक कोई छोटा मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा? ओके, मैं एक छोटा सा मैसेज बस देना चाहती हूँ, क्योंकि हेल्दी मदर ऑलवेज गिव्स अ हेल्दी बेबी। बाहर मुल्कों में बच्चे कम होते हैं या होते भी नहीं है, बट दे ऑलवेज प्लान फॉर अ बेबी। यहूदियों के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उस पर रिसर्च हुई थी कि क्यों इंटेलिजेंट होते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट प्री कॉन्सेप्शन। प्री कॉन्सेप्शन से ही वो अपनी चीजों को मॉडिफाई करती हैं, डाइट सेलेक्ट करती हैं। हम तो बेचारे नॉर्मल खाना भी नहीं खा रहे होते हैं, हमारे यहाँ तो नॉर्मल खाना लोगों को नहीं मिल रहा है। तो अगर एक हेल्दी मदर होगी, तो वो ही एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करेगी और उसकी टेक केयर करेगी। हम कभी पेशेंट को ये नहीं कहते, हम अपनी ये सजेशन नहीं दे सकते पेशेंट को कि आप बच्चे पैदा नहीं करें। आप बच्चे पैदा करें, बट स्पेसिंग करें ताकि आपकी हेल्थ और जो बच्चा आपने पैदा किया है आप उसकी टेक केयर करें, जो आगे बच्चा आ रहा है आप उसकी टेक केयर भी कर सकें। तो मेरा छोटा सा मैसेज बस यही है कि स्पेसिंग इज नेसेसरी। कॉन्ट्रासेप्शन इस तरह होनी चाहिए कि वो स्पेस करे, आप उसके ऊपर ये थोपे नहीं कि तुम बच्चे मत पैदा करो, तुम बच्चे पैदा करो लेकिन अच्छे बच्चे पैदा करो, अपनी अपनी टेक केयर करो।
थैंक यू सो मच नेक्स्ट डॉक्टर फरीना, अगर आप कुछ अपना मैसेज रिकॉर्ड कराना चाहें। मैं बिल्कुल डॉक्टर अजरा के साथ एग्री करूंगी और मेरा भी मैसेज यही है कि आप हम जो हमारा सबका पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का भी ये मैसेज है कि हम प्रमोट करना चाहते हैं हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी, कि आप प्रेगनेंसी बिल्कुल आप जितने बच्चे पैदा करना चाहें कहें नहीं, लेकिन उसके बीच में वक्फा जरूर रखें ताकि आपकी भी सेहत अच्छी और बेबी की भी सेहत अच्छी हो। और मुझे तो आपने क्वेश्चन भी वो ब्रेस्ट फीडिंग वाला दिया था, तो ये अगर इस लिहाज से देखा जाए कि अगर हम बच्चों के बीच में वक्फा करते हैं तो जो बच्चे का अपना हक है माँ के साथ कि वो उसको दो साल तक दूध पिलाए, तो जब हम वही स्पेसिंग करेंगे तो तभी ये मुमकिन होगा। तो आप आइए, हमारे गवर्नमेंट के भी आउटलेट्स खुले हुए हैं, प्राइवेट आउटलेट्स भी खुले हुए हैं, आप उनसे रुजू करें और अपनी अपनी लाइफ में खूबसूरत बनाएं, अपने बच्चों की लाइफ में खूबसूरत। अपने वेबिनार को एंड करूंगी एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू जो आए, अपना टाइम निकाला। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू।